Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बिहार में सियासी उलटफेर होने के आसार नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाकर फिर से सरकार बना सकते हैं। वो 28 जनवरी को नवी बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार राज्य इकाई से कहा है कि वो बिहार में सरकार गठन का फॉर्मूला प्रस्तावित करने में जल्दबाजी ना करें। जेडीयू के सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज हैं। उनकी नाराजगी की बड़ी वजह इंडिया गठबंधन में उन्हें संयोजक का पद नहीं देना और सीट शेयरिंग में भी देरी थी। जेडीयू की नजर इंडिया गठबंधन के साथ ही 17 यानी कि 16 प्लस एक लोकसभा सीटों पर भी थी। बता दें कि नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जाने की अटकलें लगाई जा रही है। अगर नीतीश कुमार जेडीयू को महागठबंधन से बाहर निकालते हैं तो बिहार विधानसभा में 122 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए आरजेडी को 8 और विधायकों की आवश्यकता होगी। सूत्रों ने कहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी खेमे के 4 अस्थायी विधायक, एआईएमआईएम का 1 विधायक और 1 अन्य निर्दलीय विधायक राजद के साथ जुड़ सकते हैं। बिहार विधानसभा में अगर मैं बात करूं तो सीटों का समीकरण जो है वो आरजेडी के पास सबसे ज्यादा सीट है, 79 सीटें हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की 78 सीटें हैं, जनता दल यूनाइटेड के पास 45 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं, वामपंथी दल के पास 16 है, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के पास 4 है, एआईएमआईएम के पास 1 है और निर्दलीय के पास 1 विधायक है। वहीं बीजेपी ने पटना में कल शाम 4 बजे सभी सांसद और विधायकों की बैठक बुलाई है। बीजेपी के शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार इकाई से कहा है कि वह बिहार में सरकार गठन का फॉर्मूला प्रस्तावित करने में जल्दी न करें। बिहार में इंतजार करो और देखो कि राजनीति अपनाएगी बीजेपी। कल से शुरू होने वाले 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक के बाद निर्णय होने की संभावना है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े कल सुबह बिहार पहुंच रहे हैं और जो सबसे बड़ी वजह लग रही है नीतीश कुमार का साथ छोड़ने का, तो सीट शेयरिंग में देरी। जिस तरीके से इंडिया में सबको साथ लेकर आने की बात कहे थे नीतीश कुमार, जो है उनको संयोजक पद नहीं मिला, ये भी एक बड़ी नाराजगी बताई जा रही है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जदयू के विधायकों को तोड़कर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में जब जदयू नेताओं का बयान आएगा तो पता चलेगा। लेकिन एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की देरी और इंडिया गठबंधन में संयोजक पद की जिम्मेदारी ना मिलना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए खटकता नजर आया था। बाकी आपकी क्या लगता है वजह में बताइएगा। धन्यवाद।